हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। मेरा नाम है मनीषा। आज हम बनाएंगे मूंगफली की गजक, इसको मूंगफली की चक्की भी बोलते हैं। इसको आज हम जिस तरीके से बनाएंगे, ये बहुत आसानी से और झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। और इसको जिस तरह से आज हम बनाने वाले हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और ये सॉफ्ट गजक आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल क्लिक करें। और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। तो अब चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं किचन की तरफ और मूंगफली की गजक बनाना शुरू करते हैं। मूंगफली की चक्की बनाने के लिए कढ़ाई को मैंने गैस पे रख दिया है। अब इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी मूंगफली। ये 1 कप मूंगफली मैंने ली है, लगभग 150 ग्राम है। गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे और इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। इस तरह से हमें लगातार चलाते रहना है। इसमें तेल घी हम किसी का भी यूज़ नहीं करेंगे। इस तरह से हमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये एक साइड से कच्ची रह जाएगी और एक साइड से पक जाएगी। इसको रोस्ट होने में लगभग 7-8 मिनट का टाइम लगता है। जब ये रोस्ट होने लगता है तो छिलका छूटने लगता है। इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए रोस्ट होने लग गई है, इसका छिलका भी थोड़ा थोड़ा उतरने लग गया है। ये देखिए छिलका उतर रहा है इसका। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसका छिलका आसानी से उतर रहा है, मतलब ये रोस्ट हो गई है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसको पूरी तरह से ठंडा होने दूंगी। मूंगफली को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और ये पूरी तरह से ठंडी भी हो गई है। अब इसको इस तरह से हाथों से रगड़ते हुए छिलका उतारेंगे। हाथों से रगड़ने से छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है, लेकिन उसके लिए मूंगफली अच्छी तरह से रोस्ट होनी चाहिए। ये देखिए कितनी आसानी से इसका छिलका उतर रहा है, मतलब मूंगफली अच्छे से रोस्ट हुई है। अब हम छिलके और मूंगफली को अलग कर लेते हैं। ये देखिए मूंगफली का छिलका मैंने पूरी तरह उतार दिया है, ये बहुत ही अच्छी रोस्ट हुई है। तो अब चलते हैं गैस की तरफ और नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप के लिए कढ़ाई को मैंने गैस पर रख दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी गुड़। ये उतना ही गुड़ मैंने लिया है जितनी हमने मूंगफली ली थी। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और इसको हमें बहुत ही अच्छे से मेल्ट करना है। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल भी तेज नहीं करेंगे, नहीं तो गुड़ जलने लगता है। ये मैंने देसी गुड़ यूज़ किया है, इसलिए आपको थोड़ा सा काला दिख रहा है। अगर आपको ये मिल जाए तो आप इसी का यूज़ करिए, क्योंकि ये खाने में बहुत हेल्दी होता है। इसको हमें इस तरह से लगातार चलाते रहना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा मेल्ट होने लग गया है। लगातार इसको हम चलाते रहेंगे तो ये जल्दी ही मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो गया है। अभी इसको हम लगभग 3-4 मिनट के लिए और पकाएंगे। इस तरह से हम इसकी साइड्स भी उतारते जाएंगे। इसको हमें इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे और इसको पकाते रहेंगे। ये देखिए इसको पकते हुए लगभग 4-5 मिनट हो गए हैं। अब इसको हम चेक करेंगे। एक बाउल में मैंने पानी लिया है, अब इसमें से थोड़ी सी ड्रॉप हम पानी में गिराएंगे। इसको हम फिंगर से इस तरह से इकट्ठा करेंगे। ये देखिए आसानी से छूट गया है और ये इकट्ठा भी हो गया है, मतलब ये चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें मैं डालूंगी मूंगफली जो अभी हमने ड्राई रोस्ट करी थी। मूंगफली डालकर गुड़ को अच्छे से मिक्स करना है। ये प्रोसेस हमें थोड़ा जल्दी से ही करना है, नहीं तो ये बाइंड होने लगता है। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो ही रखेंगे, अभी हमें बंद नहीं करना है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम चलते हैं और इसकी चक्की जमा लेते हैं। इस तरह के प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे पहले मैं रखूंगी बटर पेपर और इसको मैं घी से ग्रीस करूंगी। इसके चारों तरफ अच्छे से मैं घी लगाऊंगी। घी लगाने से चक्की बहुत ही आसानी से निकल जाती है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो नॉर्मल स्टील की प्लेट में भी आप इसको जमा सकते हैं। ये अच्छे से घी से ग्रीस हो गया है। अब इसके ऊपर डालेंगे गुड़ और मूंगफली का मिक्स। ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ। सारा मिक्स हमें इसके ऊपर डाल देना है। आप एक स्पून की हेल्प से इस पैचला पे जो गुड़ लगा है उसको हम इस तरह से छुड़ा लेंगे और इसको दबाते हुए अच्छे से फ्लैट करेंगे। ये देखिए इस तरह से दबाते हुए मैं इसको फ्लैट कर रही हूँ।
अब मैं इस तरह से एक स्पैचुला ले रही हूँ और इसके ऊपर लगाऊंगी थोड़ा सा घी। आप इस तरह से दबाते हुए अच्छे से फ्लैट करेंगे। साइड्स को इस तरह से हम बार बार दबाते जाएंगे ताकि मूंगफली अच्छे से एडजस्ट हो जाए। ये देखिए, मैं पहले ऊपर से दबाती जा रही हूँ और फिर साइड से इस तरह से अंदर करती जा रही हूँ। ये देखिए, अच्छे से फ्लैट हो गया है। अब इसके ऊपर मैं रखूंगी एक पॉलिथिन और इसको रोलिंग पैन से हम अच्छे से फ्लैट करेंगे। इसको चारों तरफ से घुमा के हमें बहुत ही अच्छे से फ्लैट कर लेना है ताकि जब गजक निकलेगी तो बिल्कुल परफेक्ट और एक ही साइज और शेप की निकलेगी। ये देखिए, अच्छे से फ्लैट हो गया है। इसको इस स्पैटुला से हम चारों तरफ से फिर से अंदर कर देते हैं। ये देखिए, पूरी तरह से फ्लैट कर लिया है। अभी ये थोड़ा सा गर्म ही है, साथ साथ ही हम इसमें कट लगा लेते हैं। कट लगाने से ये आसानी से निकल जाती है। आप कट्स छोटे बड़े किसी भी साइज के लगा सकते हैं। ये देखिए, सभी कट लगकर तैयार हो गए हैं। अब इसको लगभग 3 घंटे के लिए पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। लगभग 3 घंटे हो गए हैं, अब इसको हम अनमोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से निकल रही है। बटर पेपर के ऊपर ये बहुत ही आसानी से निकल जाती है। ये देखिए कितने आराम से ये निकल रही है। इसको अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी शेप इसकी आई है। सभी को प्लेट में मैंने निकाल लिया है। बहुत ही अच्छी ये बनी है, एकदम परफेक्ट शेप। इसको हम तोड़ के देख लेते हैं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट ये बनी है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी है। इसी के साथ मूंगफली की गजक बनकर तैयार हो गई है। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपने व्यू जरूर शेयर करें। तो चलिए, हम मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।